subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं ISN7 न्यूज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा ज्ञापन। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा शासकीय महाविद्यालय राजगढ़ में मुख्यमंत्री महोदय के नाम एवं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय के नाम प्राचार्य महोदय को सौंपा गया ज्ञापन, जिसमें विद्यार्थी परिषद द्वारा मांग की गई कि सभी विद्यार्थी को प्रवेश मिले तथा वहाँ विद्यार्थी प्रवेश से वंचित न रहे, 30% सीट में वृद्धि की जाए जिससे विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण कर सके, जिसमें विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री ने सभी विद्यार्थियों के सामने प्राचार्य महोदय को बताया कि हम परिषद से मांग करते हैं कि कोई भी विद्यार्थी प्रवेश से वंचित न रहे, क्योंकि यदि आप उन्हें रुक जाना नहीं परीक्षा के माध्यम से पास करते हैं और फिर एडमिशन नहीं देते हैं, तो यदि विद्यार्थी परिषद की मांगों को नहीं माना जाता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, इसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की रहेगी। लेकिन इस बीच ना तो किसी ने COVID-19 गाइडलाइंस का पालन किया और ना ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया, यहां तक कि महाविद्यालय के विचार्ज आर.के. शर्मा भी बिना मास्क के नजर आए। राजगढ़ से बाबू वर्मा की खास रिपोर्ट। विशेष, प्रवेश सीटों की संख्या बढ़ाने बाबत महोदय उपलब्ध विषय में निवेदन है कि CLC फोर्थ राउंड में भी बहुत से विद्यार्थी प्रवेश से वंचित किए गए हैं, क्योंकि सभी इकाइयों में सीटें फुल हो गई है। अतः महोदय से निवेदन है कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए प्रवेश सीटें और बढ़ाने की चिंता करें और सभी विद्यार्थी आपके आभारी रहेंगे। भोजन बहुत ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजगढ़ नगर मंत्री राजगढ़।